दोस्तों, जब आप बाजार में जाते हो तो आपने देखा होगा कि किराने की दुकान के बाहर नमक की बोरियां रखी हुई रहती हैं। यह नमक की बोरियां 24 घंटे दुकान के बाहर रहती हैं। तो आपने कभी सोचा है कि क्या दुकानदार को नमक की चोरी होने का डर नहीं रहता? तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको टोटल 4 पॉइंट बताने वाला हूँ, जरा ध्यान से सुनते जाइए। नंबर 1, जैसा कि शुरू से ही कहावतें चली आ रही है कि चोरी करना पाप है और यह माना जाता है कि नमक की चोरी करना महापाप है। पुराने समय में नमक की चोरी करने वाले व्यक्ति को नमक हरामी कहते थे। नंबर 2, नमक सस्ता है और चीज़ों की उपेक्षा। कई लोग के पास नमक को रखने की जगह नहीं होती है, इसलिए दुकानदार इसे दुकान के बाहर ही छोड़ देते हैं। नंबर 3, नमक में नमी आ जाती है जो दुकान के अंदर दीवार व फर्श को खराब कर सकता है। यह भी एक कारण है कि दुकानदार इसे बाहर ही छोड़ देते हैं। नंबर 4, कुछ दुकानदार नमक की बोरियों को जानबूझकर बाहर रखते हैं, जिससे ग्राहक को लगता है कि दुकान बड़ी है और ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा उस दुकान पर आने की अपेक्षा करते हैं।